हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आयुषी। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो कि बीकॉम करने के बाद एमकॉम करें या बीएड करें, जल्दी नौकरी किससे मिलेगी, कैसे आप ऐसा कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं कि आप जो भी डिज़ायर कर रहे हैं वो चीज़ भी आप कर लें और साथ ही साथ आपके पास नौकरी भी हो। तो ये सारी चीज़ें हम करते हुए चलेंगे डिस्कस आज की वीडियो में। मैं आपके लिए पेपर वन एंड पेपर टू की क्लासेस यहाँ पे लेके आती हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, सेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एमकॉम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जिससे आपकी तैयारी हो जाती है कंप्लीट। हम पेपर को डिस्कस करते हैं, कॉमर्स को, डिफरेंट यूनिट्स को हम डिस्कस करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो भी एमकॉम करना चाहते हैं या बीकॉम कर रहे हैं या उनके मन में डाउट है कि अब एमकॉम की जाए या फिर बीएड की जाए, क्योंकि ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे देगी और आपका आगे का जो भी जर्नी होने वाली है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इससे मिल जाएगी और एक डिसीजन आप बना पाएंगे इस वीडियो के बेसिस पे कि आपको करना क्या है और क्यों करना है, नौकरी जल्दी कहाँ से मिलेगी, जॉब कैसे आप ले सकते हो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरी वीडियो और आप जानना चाहते हो कि मैं आपको क्या क्या ऑफर करती हूँ, तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए जेरेफट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज रन होते हैं और यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है नेट के लिए, सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी एंट्रेंस के लिए। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ पूछना है इन दिए गए दो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि मुझे नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है या आफ्टर बीकॉम करें क्या उस चीज़ में उलझे हुए हो, तो मैं आपको एक बहुत क्लियर कट एक आइडिया देने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और कैसे आपको एक डिसीजन बनाना है। अभी फिलहाल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए दिसंबर को टारगेट करते हुए हमारा बैच रन कर रहा है, तो आपको कंप्लीट पेपर वन और पेपर टू मिल जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर है, तो आप 10% एडिशनल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं सभी कोर्सेज पे और टेस्ट सीरीज पे भी। राखी कोड आपको यूज करना है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कुछ पूछना है तो आप दिए गए इन तीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पेपर टू और पेपर वन का अलग से भी आपको कोर्स मिल जाता है। चलिए डिस्कशन करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो कॉमर्स स्ट्रीम है ये आती है जब हम 11th क्लास में होते हैं। आफ्टर 10th आपको कॉमर्स स्ट्रीम दी जाती है, ठीक है, जिसमें आप सीखते हैं कि किस तरीके से व्यापार है जो वो करना है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम सीखते हैं। बट कॉमर्स का इससे पहले कोई भी जिक्र नहीं होता टिल 10th। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, अगर अब मैं बात करूँ हम क्या करते हैं कॉमर्स में, हम बीकॉम कर लेते हैं, ठीक है, आफ्टर 11th 12th। ठीक है, फिर बीकॉम करने के बाद क्या करें, मेजर जो ऑडियंस होती है कॉमर्स की वो बीकॉम ही करती है। अब फिर सवाल आता है कि अब बीकॉम के बाद करें क्या, तो दो ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं कि बीकॉम कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, या फिर बीकॉम के बाद अगर जॉब चाहिए तो बोला जाता है कि अगर आप टीचिंग की तरफ इंक्लाइंड हो तो आप बीएड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बीकॉम करने के बाद पढ़ने की सोच रहे हो तो इसका मतलब आपका एकेडमिक में इंटरेस्ट है, आप टीचिंग लाइन में कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, तो आपके पास ये दो ऑप्शन निकल के आते हैं कि अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हो तो आप एमकॉम कर लीजिए और अगर आप स्कूल टीचिंग की तरफ जाना चाहते हो तो बीएड कर लीजिए, आपको यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि कॉमर्स का जिक्र ज़्यादा होता नहीं है 11th से पहले, तो अगर आप बीएड करोगे बीकॉम के बाद तो आप टीजीटी पोस्ट पे, टीजीटी लेवल पे टीचर बन सकते हैं। बट टीजीटी लेवल पे टीचर बनोगे तो 9th और 10th को पढ़ाओगे और 9th और 10th में तो इतना ज़्यादा जिक्र ही नहीं होता कॉमर्स का, तो कॉमर्स में हम यहाँ पे 9th और 10th में SST वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाई जाती है, तो उसके लिए आप टीचर लग सकते हो, ठीक है। बट बीइंग कॉमर्स ग्रेजुएट आपको टीजीटी लेवल पे भी और भी एडिशनल पेपर देने पड़ते हैं। एडिशनल पेपर क्यों देने पड़ते हैं कि अगर आप 9th और 10th में मैथ्स पढ़ाना चाहते हो तो आपको एक अलग से मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, तो अलग कोई स्ट्रीम है आपकी तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा पेपर है जो अलग देने पड़ते हैं। तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। बट अगर आप बीकॉम के बाद एमकॉम कर लेते हो तो आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखिए, बीकॉम के बाद एमकॉम करने से आपको जॉब तो नहीं मिलेगी, बट अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, 11th और 12th को पढ़ाना चाहते हैं, तो एमकॉम करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है और एमकॉम के साथ साथ आपको बीएड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर मैं बीएड नया करना चाहूँ तो क्या एमकॉम के बाद स्कोप है, तो एमकॉम के बाद बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप एमकॉम करते हैं, 2 साल की एमकॉम है, 2 ईयर्स की, और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं बीकॉम के बाद एमकॉम अगर करना चाहते हैं तो एमकॉम के साथ साथ आप नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, नेट JRF कर सकते हैं।
यहाँ पे जब भी जैसे ही आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो वैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो नेट एग्जामिनेशन के लिए। और ये एग्जामिनेशन किसके लिए है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज लेवल पे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर अपॉइंट होना चाहते हैं, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होना चाहते हैं, तो आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो एम कॉम करने के बाद ये आपके पास स्कोप है, बहुत अच्छा है। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो डिफरेंट स्टेट्स अपनी स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, और वहाँ पे आप आफ्टर गिविंग एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। और अगर आप एडहॉक पर्पजेज पे जाना चाहते हैं तो वो भी होता है। अगर आप परमानेंट टीचर नहीं बनना चाह रहे हैं, ठीक है, आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो भी आपको नेट जेआरएफ नेट क्लियर करना होता है बेसिकली। और जेआरएफ तब क्लियर करना है अगर आप पीएचडी की तरफ इंक्लाइंड है, आप हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं, तो ये एक जरिया आपको मिलता है। अब मैम की अब एम कॉम करने के बाद जॉब तो मिलेगी नहीं, तो क्या करें, अब एम कॉम के साथ साथ नेट क्लियर कर लोगे तो जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, तो अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपकी यहाँ पे जॉब लग जाती है। तो ये एक तरीका रहता है। अब बीएड करने का डायरेक्टली कोई फायदा बीकॉम के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बट हाँ अगर आप पीजीटी लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं तो आप बीएड करके कोई एक एडिशनल पेपर जो आपको देना पड़ेगा आफ्टर बीकॉम, क्योंकि आप बीकॉम की हुई है तो एडिशनल पेपर देना पड़ता है, उसके बाद आप पीजीटी लेवल पे पढ़ा सकते हो। बट सबसे बेस्ट जो तरीका रहता है बीकॉम के बाद वो ये है कि अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो यू शुड गो फॉर एमकॉम, अगर आप कन्फ्यूज हो कि एमकॉम करें या बीएड करें। अगर आप बीकॉम के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो उस एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाओ जहाँ पे ग्रेजुएशन डिमांड की जाती है उसके बाद, जैसे कि बैंकिंग एग्जामिनेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। अगर आपने बीकॉम कर ली तो साइड बाय साइड ट्राई करो, बट अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एमकॉम करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमकॉम करें, लाइक डीयू है, ठीक है। डीयू से अगर आप एमकॉम कर लेते हो तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है अगर आपको, तो आपके करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कुछ सक्सेसफुल काम कर लेते हो आफ्टर एमकॉम, ठीक है। और फिर साथ ही साथ नेट जेआरएफ अगर आप कर लेते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपकी जो डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज है वो आपको दिखाई देती हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बट इसका एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन निकल के आता है, क्योंकि बीकॉम के बाद बीएड करोगे 2 साल लगेंगे, बीकॉम के बाद एमकॉम करोगे तो भी यहाँ पे भी 2 साल लगेंगे। बट एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, एमकॉम प्लस बीएड कर सकते हैं। एक डिग्री रेगुलर मोड से करिए, एक डिग्री आप क्या कर सकते हैं डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि क्या एमकॉम अगर आपने डिस्टेंस मोड से किया है तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। बीएड रेगुलर मोड से करिए, ठीक है, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है, ओपन से होता भी नहीं है तो रेगुलर मोड से ही होगा। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आप डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन आपका बीकॉम वाला ही एमकॉम में रिपीट होता है, तो ये फायदा आपको यहाँ पे मिलता है। बीएड आप रेगुलर मोड से करो, एमकॉम आप क्या करो डिस्टेंस मोड से करो, 2 साल में 2 डिग्री हो जाएंगी। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि एमकॉम के साथ साथ जब आप बीएड और एमकॉम कर रहे हो तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी साइड बाय साइड करते रहिए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जब बीएड आप पढ़ते हैं तो टीचिंग पेडागोजी आप पढ़ते हो, ये आपके नेट में भी पूछी जाती है, उसके साथ साथ और सारी चीज़ें भी हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमसे हायर एजुकेशन में पूछी जाती हैं, तो आपके नेट एग्जामिनेशन की भी आपको तैयारी हो जाती है यहाँ पे। और क्योंकि आप एमकॉम भी कर रहे हैं, अपने सिलेबस के साथ जुड़े हुए हैं, अपने पेपर के साथ जुड़े हुए हैं बीकॉम एमकॉम में, तो वही चीज़ें आपकी पेपर 2 में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे आप इन 2 ईयर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर कर सकते हो एक साथ, अगर आप एमकॉम प्लस बीएड करते हैं और साथ ही साथ नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। क्योंकि नेट एग्जामिनेशन के लिए आपको कहीं पे एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एनरोल होने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग जैसे मर्जी सेल्फ स्टडी से भी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। बट स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नेट एग्जामिनेशन के बाद, टीजीटी पीजीटी, ठीक है, जिस मर्जी लाइन में आप जा सकते हो। अब बात करते हैं जल्दी नौकरी कैसे लगेगी। तो अगर आप बीकॉम किए हुए हो फिर बीएड में जाना चाहते हो तो यहाँ पे नौकरी लगने के चांसेस इक्वल ही हैं, अगर आप बीएड बीकॉम के बाद एमकॉम करके देन यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करके अपना जो जॉब है वो लेना चाहते हो। तो सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहता है कि आप एमकॉम और बीएड दोनों इकट्ठे करें, क्योंकि जब एमकॉम और बीएड कर लोगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप स्कूल टीचिंग में भी जा सकते हैं और कॉलेज टीचिंग में भी, पीएचडी लेवल पे पढ़ा सकते, पीजीटी लेवल पे पढ़ा सकते हो। और अगर आपका मन करता है जेआरएफ करने के बाद पीएचडी करने का,
तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और जल्दी नौकरी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी और ज्यादा हाई पेइंग नौकरी कहाँ मिलेगी? हाई पेइंग नौकरी आपको तभी मिलेगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और या आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एमकॉम प्लस बीएड के लिए जाइए अगर आपने बीकॉम की है, क्योंकि बीकॉम करने के बाद डायरेक्टली बीएड करने से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट हाँ, पीजीटी लेवल पे अगर आपको टीचर बनना है तो एमकॉम और बीएड दोनों जरूरी है, तो ये ऑप्शन बेटर है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं तो साइड बाय साइड बीएड करने से बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होंगे, टीचिंग पेडागोजी सीख जाओगे, कैसे एक अच्छा टीचर बनना है वो आपको पता लग जाएगा, और जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी करियर की ग्रोथ में। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी नौकरी आपकी लगती है, 60K यहाँ पे इतना आपको अमाउंट है जो पे किया जाता है मंथली, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए एक चांस हो जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी एमकॉम प्लस बीएड करो और साथ ही साथ नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करो, नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन दीजिए। तो ये 2 से 3 साल आपके लाइफ चेंजिंग 2 to 3 years हो सकते हैं और आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आप सिर्फ एमकॉम या सिर्फ बीएड कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो उसके साथ, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज कुछ खास नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कर लेने से जॉब नहीं मिलती है और केवल बीएड कर लेने से बीकॉम के बाद जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारी आपको चीजें हैं जो करनी होंगी, साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चीजें लेके चलनी होगी सो दैट आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो मेरे लिए बेस्ट जो एक तरीका है वो ये है कि आप बीकॉम करिए, बीकॉम के बाद अगर आप बीएड नहीं करना चाहते हो तो बीकॉम के साथ साथ सीयूईटी एग्जामिनेशन की तैयारी करो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आप अच्छे कॉलेज से अपनी मास्टर्स कर लोगे, एमकॉम कर लोगे, तो करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और एमकॉम के साथ साथ अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और अब यूजीसी नेट और जेआरएफ के अपने अलग फायदे हैं, मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई है उसको आप देख सकते हो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद, जेआरएफ करने के बाद क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये बेनिफिट रहते हैं। और यस, अगर आप इसके साथ बीएड कर लेते हैं तो इसमें और ज़्यादा 4 चांद लग जाते हैं कि आप एमकॉम क्वालिफाइड हो, यूजीसी नेट है, बीएड कर लिया है, तो आप एक पूरा टीचर जो एक होता है ना, आइडल टीचर बनने के काबिल हो चुके हो। और ये चीज़ें ही अप्लाई करके आप बहुत अच्छा टीचर है जो बन सकते हो। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसी की तरफ आप भी ट्राई करिए। और अगर आप बीकॉम में हैं अभी तो गो फॉर एमकॉम फर्स्ट, ठीक है, देन उसके बाद साइड बाय साइड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करो एंड फिर बीएड की भी साइड बाय साइड तैयारी करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि एमकॉम और बीएड दोनों डिग्री एक साथ नहीं करनी है मुझे, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो आप पहले एमकॉम की तरफ जाइएगा। क्यों? क्योंकि बीकॉम और एमकॉम का सिलेबस मोर और लेस सेम है, इस टाइम पीरियड पे नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आप बीएड के लिए जा सकते हो और फिर स्कूल टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और नेट जेआरएफ हो जाएगा तो आप इतना पीएचडी के लिए ट्राई कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारी आ जाएंगी, तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो बहुत अच्छे से आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं, उनको अवेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान रखिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बीएड बहुत अच्छे से सिखा देता है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आप को, ये चीज़ें आपको बीएड में सिखाई जाती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो गो फॉर दिस कॉम्बिनेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी अपने बीकॉम में हैं, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ही हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करो कि सीयूईटी एग्जामिनेशन निकाल के अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से एमकॉम कर लीजिए, सो दैट आपको आगे करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा देखने को मिले और बहुत ज़्यादा अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिले। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए चैनल पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी हम करते हुए चलते हैं, कॉमर्स पूरा पेपर 2 आपको यहाँ पे करवाया हुआ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, हमने काफी चीजें समझी हैं और हमने कंटेंट भी रिवाइज किया है, तो आप कंटेंट भी देख सकते हैं। कंप्लीट 10 यूनिट्स आपको मिल जाएंगी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करवाए हैं। तो 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो से आपके कंसेप्ट हैं जो क्लियर हो जाएंगे, तो इनको आप देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप मेरी गाइडेंस में पढ़ सकते हैं तो आप नेट एग्जामिनेशन की अगर तैयारी करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आफ्टर डूइंग बीकॉम, आप नेट के लिए जरूर जाइए, एमकॉम करिए साइड बाय साइड, बहुत अच्छी आपको यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। 60,000 तक आपको यहाँ पे मंथली पे है जो दिया जाता है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है, बहुत रेप्यूटेड जॉब है टीचिंग जॉब, और आपको यहाँ पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता, 7 से 8 घंटे की जॉब रहती है और फिर बाकी समय आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपनी ग्रोथ के लिए, कुछ भी अपनी स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए चीज़ें कर सकते हैं।
तो सबसे अच्छी जॉब आपके लिए यहाँ पे होती है टीचिंग जॉब। तो जैसा भी आपको लगता है कि आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, और अगर आपको जॉब चाहिए तो मैं यही बोलूंगी कि जॉब चाहिए तो एमकॉम प्लस बीएड के लिए आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए हम सभी के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं बीकॉम में है और एमकॉम या बीएड में कंफ्यूज्ड हैं कि क्या किया जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।